तीन दिन पहले सरयू नहर में डूबे छात्रों का तीन दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग रहा। एक तरफ जहां पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम तलाशने में जुटी है, तो वहीं अब लोकल ग्रामीण भी जाल लगाकर प्रशासन की मदद कर रहे हैं। तीन दिन पहले एक पॉलिटेक्निक का छात्र नहाते समय गिलौला के सरयू नहर में डूब गया था। तीन दिन से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तीन दिन से प्रजापति का परिवार भी नदी के किनारे डटा हुआ है। आज तीसरे दिन नहर का पानी भी बंद कर दिया गया। नहर सूख जाने के बाद भी लाश कहीं से बरामद नहीं हो सकी है। गांव वालों का कहना है कि प्रजापति की लाश शायद 20 या 25 किलोमीटर आगे बहकर चली गई होगी।